नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोटके चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। मित्रों, आपका पुराना चैनल वापस से आ चुका है, तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल से जुड़िए ताकि फिर से हम आपके साथ उसी तरीके से बातचीत कर पाएँ, उसी तरीके से आपको उपाय दे सकें और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए आपके साथ जुड़े रह सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई सवाल है, कुछ जानना पूछना चाहते हैं, तो फिर आपको डाउनलोड करना है कॉल मी फोर ऐप। डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर सर्च कर सकते हैं और मेरी आईडी सिद्ध टोटके @cm4 सर्च करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आज उस उपाय की जो कि बिना वशीकरण किए सबको आपकी ओर आकर्षित करता है। इस उपाय को किसी भी अच्छे दिन, किसी भी शुभ समय में शुरू करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा दिन इसके लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार होता है। इस दिन में इस उपाय को करना सबसे ज़्यादा लाभदायी रहेगा। कैसे करेंगे उपाय को? बहुत ही आसान है, इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले आपको कोई भी एक फूल चाहिए, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। फूल को तोड़ते समय प्रार्थना करते हुए तोड़िए कि यह फूल हम इस उद्देश्य से तोड़ रहे हैं कि हम किसी के मन को, किसी के प्रेम को जीत सकें। ठीक, ऐसा मन में रखते हुए आप वनस्पति राज से, मतलब जिस भी पेड़ से, जिस भी पौधे से आप फूल ले रहे हैं, उसे हमेशा वनस्पति राज कह करके ही पुकारिए। हालांकि पहले निमंत्रण का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सीधे पहुँचेंगे, उसको प्रणाम करें मन ही मन। जरूरी नहीं कि आप पूरा एक्ट करो कि हाथ जोड़ो, सर नवाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधे बोल सकते हैं मन ही मन प्रणाम करते हुए, और फिर आप फूल को एक झटके से तोड़ेंगे, नहीं कि ऐंट करके, खींच करके, मरोड़ करके तोड़ रहे, ऐसा नहीं। एक झटके से प्लक इट ऑफ, ठीक है। और फिर इसको ले करके घर आइए। अगर घर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है या उनकी मूर्ति है या फिर फोटो ही है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पूजा होती है, तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर फूल को रखें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तो उनके किसी भी मंत्र का, ओम से गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, इस तरह से कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, उस मंत्र का जाप कर लें जितनी देर आपका मन लगे। पहली बात तो हड़बड़ी, जल्दबाजी, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के मन को जीतना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती या जल्दबाजी में ये काम नहीं किया जा सकता। यह धैर्य चाहता है, संयम चाहता है, तो संयमित होकर के ये कार्य करें, अपने आप ही आपको लाभ हो जाएगा। कितनी देर मंत्र का जाप करना है? जितनी देर आपका मन अच्छे से वहाँ पर लगे, ठीक है, उतनी देर में आप करें। और फिर वहाँ से आप हटिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है। फिर आपको ये फूल अपने साथ लेकर के जाना है, ठीक है। भगवान गणेश का यहाँ पर आपको उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। जब आप वहाँ से हटते हैं तो उनसे आज्ञा लीजिए कि प्रभु, अब मैं पूजा के उपरांत अपने गृहस्थ या अपने जो भी ये भौतिक कार्य हैं इनमें लिप्त होने जा रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार से मैं गलत काम ना करूँ, सभी प्रकार से लोक कल्याण में कार्य करूँ, और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था, उद्देश्य मेरा आज पूर्ण हो, इसके लिए मुझ पर कृपा कीजिए। और फिर आप उसे लो फूल को और वहाँ से चले जाओ, जहाँ पर जिसको देना है, खिलाना है, पिलाना है, उठना बैठना है, जिसके साथ उसके साथ रहिए। फूल केवल आपके पास में रहेंगे, सिर्फ इतना ही करना है। कोशिश करें कि फूल को ऊपर की पॉकेट में रखें, कि लड़कियां हैं तो वो अपने अंदर कपड़े में रख सकती हैं ताकि हृदय के पास रहे। ऐसा करना आपको तुरंत लाभ देने वाला है। आप करके देखें, आप लौट के आएंगे, तुरंत कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, ये मेरा काम हुआ और इस उपाय ने हमको इतना ज़्यादा लाभ दिया है। यह उपाय पिछले जो चैनल था वहाँ पर यह उपाय नहीं बताया गया था, इसलिए यहाँ पर इस उपाय को हम बता रहे हैं कि नया है बिल्कुल और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।